नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे ऑक्सीमीटर की मदद से कोरोना ग्रसित व्यक्ति का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। क्या होता है ऑक्सीमीटर? ऑक्सीमीटर दोस्तों इस छोटी सी डिवाइस को कहते हैं जो आप 500 से 1000 रुपए की मामूली कीमत में खरीद सकते हैं। इस ऑक्सीमीटर की मदद से आप शरीर में 3 चीज़ों को नाप सकते हैं। इसे आपको अपने उस हाथ की उंगली में लगाना है जिससे आप ज़्यादा काम करते हैं। जैसे अगर आप सीधे हाथ से ज़्यादा काम करते हैं तो इसे सीधे हाथ की पहली उंगली में लगाकर लगभग 30 से 35 सेकेंड लगाकर रखना है। इसमें सबसे पहले SpO2 परसेंटेज मतलब सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन लेवल की हम जांच करते हैं। दोस्तों यह हमारे ऑक्सीजन लेवल को दिखाता है जो हमारे शरीर में 94 के ऊपर होना चाहिए। अगर ये 94 के नीचे जाता है तो समझ ले शरीर में ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है। अगर यह लेवल 90 के नीचे चला जाता है मतलब अब पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर जब ये लेवल 94 से नीचे जाना शुरू हो तब ही पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे जाने पर पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन मास्क के द्वारा पहुंचाया जाता है और रेमडेसिविर इंजेक्शन देकर पेशेंट के शरीर में कोरोना वायरस की संख्या कम कर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मदद होती है। इसमें दूसरा होता है PR यानी पल्स रेट। ये हमारे दिल की धड़कन को काउंट करता है जो किसी स्वस्थ व्यक्ति में 60 से 90 के बीच होनी चाहिए। इसी में तीसरा होता है दोस्तों PI परफ्यूजन इंडेक्स। यह बताता है कि हमारे शरीर में खून का बहाव कहाँ तक है। नॉर्मली यह 2 से 20 के बीच में होना चाहिए। अगर यह 0.5 से नीचे जाता है मतलब हमारे शरीर में खून आखिरी कोशिका तक नहीं जा रहा है, हमें इस सिचुएशन में डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हम ऑक्सीमीटर की मदद से घर पर बैठे बैठे ही कोरोना पेशेंट की जांच बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोरोना से रिलेटेड ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।